सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जो अपनी फोटो यहाँ पे लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जैसे आप अपनी फोटो यहाँ पे लाइटरूम ऐप में ओपन कर लोगे तो आपको सिंपली चले जाना है लाइट वाले ऑप्शन में। एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको पहले जो इसका कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। देन आप सभी को जो है हाईलाइट को बढ़ा देना है थोड़ा सा, एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड इसके नीचे में आपको ब्लैक्स मिलेंगे, आपको ब्लैक्स का थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद वाइट को भी थोड़ा कम कर देना है। इतना जाने के बाद आपको फिर कलर्स में चले जाना है। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा प्लस कर देना है ताकि थोड़ा सा येलो टोन आ जाए फोटो में। फिर आपको मिक्स में चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे आपको रेड कलर मिल जाता है जैसे कि, तो आपको पहले रेड कलर का जो ल्यूमिनस है इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको येलो कलर में चले जाना है, इसका जो ह्यू है आपको माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आपको जो है यहाँ से चले जाना है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में जाने के बाद आपको इसका भी ह्यू माइनस कर देना है। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे ऑरेंज और येलो टोन डालने वाले फोटो में, तो फिर इसका हम सैचुरेशन भी थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ से ब्लू टोन में। ब्लू टोन में जाने के बाद हम जो है इसका पैंट का कलर जो है हमारा, जैसे कि मतलब हम इसे डार्क ब्लू करना चाहते हैं, तो हम ह्यू और सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड ल्यूमिनस को माइनस कर देंगे। परफेक्ट है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे यहाँ पे हम सिलेक्टिव टूल में, ठीक है। सिलेक्टिव टूल में इसलिए जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमें एक सर्कल लेना है यहाँ पे, ठीक है, रेडियल। एंड उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा ड्रॉ करना है इसको। एंड इतना हो जाने के बाद आपको जहाँ पे पहले इसका एक्सपोजर बढ़ाना है कुछ इस टाइप से। एंड एक्सपोजर को बढ़ा देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाना है कलर्स में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ से हम इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम इफेक्ट वाले ऑप्शन जाने के बाद पहले हम क्या करेंगे, पहले क्लियरिटी वगैरह को उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद चलेंगे कलर्स में। फिर उसके बाद हम जो है इसका ऊपर जो टेम्परेचर इसको हम प्लस कर देंगे ताकि हमारी येलो टोन आ जाए। एंड उसके बाद जो नीचे सैचुरेशन है हम इसको भी बढ़ा देंगे। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आप सभी को जो इसको अपने सेंटर में रख लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कलर्स में जाएंगे वापस। कलर्स में जाने के बाद हम ऐसे चले जाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में। एंड शेडो में जाएंगे, हम इसका सैचुरेशन थोड़ा सा पहले बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे येलो टोन में। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे मिड टोन में। मिड टोन में जाने के बाद हम सेम वही करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा देंगे। एंड इसको ले जाएंगे हम येलो टोन की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता है इसमें येलो टोन और ऑरेंज टोन दोनों चाहिए, तो हम इसको इस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको चले जाना है शेडो में, सॉरी हाईलाइट में। हाईलाइट में जाने के बाद आप लोगों को सिंपली इसका सजेशन बढ़ाना है। एंड इसका जो ह्यू है इसको भी आपको येलो टोन में रखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को मैं जो है यहाँ पे फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे चले जाना कर्व टूल में। कर्व टूल में जाने के बाद आपको जो इसका ब्लू टोन है, ब्लू टोन जो है इसको आपको सिंपली ऊपर से जो पॉइंट है इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। एंड उसके बाद एक बीच में आपको ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा पिच करना है, ठीक है। एंड उसके बाद नीचे से थोड़ा सा डाउन की तरफ, ठीक है। एंड उसके बाद सेम चीज़ यही करना है आपको, फिर डन कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ से चले जाना आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है। एंड फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देने के बाद आप लोगों को जो है फोटो में विग्नेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको जो है यहाँ से फीदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसको 100 प्लस कर देना है। फिर चले जाना नीचे वाला टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देना है। एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। भाई गाइस ऐसा करता हूँ, आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद होता है वीडियो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।